आज 22 दिसंबर 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। स्वयं को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर हल्का। ध्यान दो आंखों के बीच में। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूं। इस शरीर से भिन्न शरीर के मालिक हूं और अविनाशी हूं। मेरा घर परम धाम, बहुत काल का अभ्यास, बाबा कहते ही बुद्धि परम धाम में चली जा रही है। स्वयं को शिव बाबा के साथ कंबाइंड देखेंगे, अनुभव करेंगे। मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदा और खिदमत, यही मुझे याद रहता है। खुदा ने, शिव बाबा ने मुझे अंदर से भरपूर किया है। मात पिता के माफिक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैंने अपना सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी बनने वाली महान आत्मा हूँ। बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं संपूर्ण संतुष्ट हूँ, क्योंकि तृप्त हूँ, सर्व प्राप्त संपन्न हूँ। मुझे किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है। मैं संतुष्ट मणि हूँ। पुराने रावण के स्वभाव संस्कार के अंश को भी त्याग करके एक बाप की याद में स्थित रहने वाली मैं सर्वंश त्यागी आत्मा हूं। हाथ से काम करते वक्त मैं दिल से बाबा को याद करती हूँ। मैं श्रेष्ठ कर्म योगी आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, आपने कल्प कल्प बाप की याद का चार्ट रख के अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वंश और अंश सहित त्याग करके सर्वंश त्यागी सो तपस्वी बन के विश्व की सेवा की है। श्रीमत पद खुदाई खिदमतगार बने हो। सबको घर का रास्ता बताया है। ट्रस्टी होकर चले हो। किसी में भी ममत्व न होने के कारण बाप से सर्व प्राप्तियां कर संतुष्ट बने हो। सभी के दुआओं के पात्र हो, माला के मणके हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ विश्व को रावण की जंजीरों से मुक्त करो।
बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।